सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताबुन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। इन्हदामी कार्रवाई की मुहिम को जारी रखते हुए हाइड्रा ने पीर के रोज़ मादापुर इलाके के एक पार्क में मुबैना तौर पर गैर मजाज तामीरात को मसमार कर दिया। हाइड्रा के एहलकारों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लस्टर मादापुर के कावेरी हिल्स पार्क में एक स्पोर्ट्स एकेडमी के गैर कानूनी ढांचे को मसमार कर दिया। कावेरी हिल्स एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने ढांचे को मसमार कर दिया। इन्हदाम का काम मुकम्मल करने के बाद हुकाम ने कावेरी हिल्स पार्क का बोर्ड नस्ब कर दिया। स्पोर्ट्स एकेडमी की इंतजामिया ने दावा किया है कि कावेरी हिल्स एसोसिएशन ने उन्हें ये जगह 25 साल के लिए लीज पर दी थी। उसने इल्ज़ाम लगाया कि लीज़ की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर बेदखल कर दिया गया। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने ताहम कहा कि हैदराबाद में इन्हदाम की मुहिम अदालत के हुक्म के मुताबिक चलाई गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू तनाज़े मामले की जांच के लिए एसआईटी दी गई तश्कील। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मवेशियों की चर्बी मिला होने का मामला इस वक्त पूरे मुल्क में सुर्खियों में है। मामले की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने उसकी जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की तश्कील कर दी। हुकूमत के जरिए तश्कील एसआईटी की निगरानी इंस्पेक्टर जनरल या उसके ऊपर की सतह के अफसर करेंगे। एसआईटी सभी वजूहात की जाँच करेगी जिसमें इख्तदार का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। जाँच के बाद रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतालिक मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने पीर को एक दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया गया था। इस हुक्मनामे में कहा गया था कि महज चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से मुतालिक फहश वीडियोस डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जुर्म नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचौड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस सिलसिले में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, वीडियोस डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म है। इस सिलसिले में मद्रास हाईकोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लफ्ज अदालत में इस्तेमाल ना किया जाए। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में इतवार और पीर के दरमियानी रात जबरदस्त बारिश हुई। खास तौर पर उपल, नागोल, बल्लागुड़ा, एलबी नगर, सरूनगर, सईदाबाद, जसुख नगर, रामंतापुर, अंबरपेट, अमीरपेट और वनस्थलीपुरम इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से बाद मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। उन इलाकों के अलावा भी दीगर मकामात से जबरदस्त बारिश की इत्तलात हैं। अभी शहर में मौसम बरालूद है, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का इम्कान है। वहीं दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना भर में 23 से 25 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है जिसके पेशनजर महकमे मौसमियात ने रियासत में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को एक रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंच रही है। सदर जमहूरिया के दौरे के पेशनजर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों का एक आला सतह इजलास तलब करके इंतजाम को खतियत दी। सदर जमहूरिया मुर्मू 28 सितंबर को सुबह नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। शाम में राष्ट्रपति नीलाम में होने वाली भारतीय कला महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सदर जमहूरिया की आमद के पेशनजर तमाम महकमेजात के दरमियान मुकम्मल तालमेल को यकीनी बनाकर इंतजाम को मुकर्रर वक्त से पहले तकमील कर लें। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से रियासत में MBBS और BDS के कन्वीनियर कोटे और मैनेजमेंट कोटे नशस्तों पर दाखिलों के लिए आइंदा 2 या 3 दिनों में सरकारी ऐलान होने के लिए कभी इम्कान हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूरी हासिल होने के बाद तैयारियों में तेजी पैदा हो गई है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा GO 33 के खिलाफ 135 तलबा हाईकोर्ट से रजू हुए। मुकामी मसले पर रहनुमाना खतूत जारी करने का रियासती हुकूमत को हाईकोर्ट ने हुक्म दिया जिसके खिलाफ रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर आर्जी तौर पर हुक्म इल्तवा जारी करते हुए 135 तलबा को काउंसलिंग में शिरकत करने की इजाज़त दी जिसके बाद दाखिलों का अमल जल्द अज जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से MBBS फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज हो रहा है जिसकी वजह से दाखिलों के अमल को तेज करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से
कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स, 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।